गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ये ग्यारहवा क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में कुछ और प्रूव कर दिए थे शायद, और वीडियो भी कट गया था। तो ये आप चार सूत्र फिर से नोट कर लें, आप लोग पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, साइंस सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइंस सी प्लस डी अपॉन 2 साइंस सी माइनस डी अपॉन 2, और साइंस सी माइनस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइंस सी माइनस डी अपॉन 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होगा माइनस 2 साइंस सी प्लस डी इंटू साइंस सी माइनस डी अपॉन 2। अगर इसी फार्मूले का उपयोग किए होते हम लोग तो दो लाइन में लग गया होता, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री है, कभी कभी फंसता है, लंबा रास्ता पकड़ लेते हैं हम लोग। तो जरा देखिए, कल इलेवंथ क्वेश्चन था आपका जो चल रहा था कि कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स, ये प्रूव करना इतना बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इस फार्मूले से, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसको मान लेता हूँ कि सी है, इसको मान लेता हूँ डी है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी पहले क्या जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, सी कितना है 3π/4 प्लस एक्स, और डी कितना है 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। फिर ये साइन सी माइनस डी अपॉन 2, पहले तो सी लिख लो कितना है 3π/4 प्लस एक्स, अब इसको माइनस डी करना है, ये वाला पोर्शन घटाएंगे, जब ये वाला पोर्शन घटाएंगे तो ये जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3π/4 प्लस एक्स अपॉन 2, ओके बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। जरा देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स ये कैंसिल हो गया आपका, ये वाला पोर्शन 3π/4 प्लस 3π/4 क्या आ जाएगा 3π/2 साइन 3π/2 और अपान 2 तो पहले से है ही, अपान 2 पहले से है इंटू साइन, देखो ये 3π/4 कट गया, ये क्या बचा 2x अपान 2, ये हो गया माइनस 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4, 3π/4 इंटू साइन एक्स, ओके माइनस 2। अब एक सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है पाई माइनस थीटा, इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोई रिलेशन नहीं चलता, तो 2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स बराबर माइनस 2 साइन π/4 का मान कितना होता है 1/√2 साइन एक्स, फिर इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 2 साइन एक्स बराबर राइट हैंड साइड, नोट प्लीज। बारहवां सवाल है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर इतना प्रूव करना है, साइन 2x साइन 10x, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये एक जगह पर हो गया, ये बी की जगह पर हो गया, साइन ए प्लस बी
6x plus 4x is sin a minus b, 6x minus 4x, ठीक है, ये बराबर कितना हुआ, sin 10x, ये कितना हुआ, sin 2x, या इसको sin 2x into sin 10x लिख सकते हैं, 10x बराबर राइट हैंड साइड, देखिए सेम वही सवाल है, ये वाला, जानते हैं कि cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर 6x, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर 6x, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, बराबर हुआ sin स्क्वायर 6x माइनस 2x, sin स्क्वायर 2x, ओके, फिर यही फार्मूला, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बराबर sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b बराबर sin a प्लस b, sin 6x 2x है यार, sin स्क्वायर 2x, स्क्वायर चक्कर में 2 लिखना भूल जा रहा है, इंटू प्लस 2x, फिर sin 6x माइनस 2x बराबर कितना हुआ आपका, चौक नहीं चल रही यार, sin 8x, ठीक है यहां लिखता हूं, बराबर sin 6x प्लस 2x sin 8x इंटू साइन 6x एक्स माइनस 2x 4x, यही तो प्रूफ करना था भैया, साइन 8x इंटू साइन 4x, या इसको हम साइन 4x इंटू साइन 8x लिख सकते हैं, बराबर राइट हैंड साइड, चलो भाई अब देखिए ग्यारहवां सवाल था, साइन 2x प्लस 2 sin 4x plus sin 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x sin 4x, ये प्रूफ करना था हमको, तो थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, sin 2x plus sin 6x, ये sin c plus sin d के फॉर्म में हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर sin 2x plus sin 6x plus 2 sin 4x, दिख रहा है कि नहीं भैया, दिख रहा है, चलिए sin c plus sin d बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 sin c plus d upon 2, 2x plus 6x upon 2, फिर sin c minus d, sin c minus d, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे भाई मेरे, कि जैसे ये 6x है, ध्यान दीजिए ये 2x है, यहाँ पर हम sin 6x plus 2x भी तो लिख सकते थे, तो आप माइनस से बचना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 6x plus 2x upon 2, sin c minus d upon 2, 6x minus 2x upon 2, प्लस 2 sin 4x, ठीक है, चलो तो क्या होगा, 2 sin 6 दू 8, 8 में 2 का भाग दू 4, 2 sin 4x, ठीक है, और 6 में से 2 गया 4, और 4 में 2 का भाग दिया 2 sin 2x, ठीक है, प्लस 2 sin 4x, चलो भाई sin 4x देखो यहां पर आ भी गया, यहां हमको मिल भी गया sin 4x, sin 4x, तो क्या करें हम, 2 sin 4x कॉमन ले लें, 2 sin 4x कॉमन, यहां क्या बचेगा, sin 2x, sin 2x, यहां गलत कर दिया भाई,
फार्मूले में यहाँ कास होगा, तभी तो कह रहा था माइनस बचना चाह रहा था, तो इसमें 2x माइनस 6x करते तो माइनस 4x आता, यानी यहाँ माइनस कास माइनस 2x आता ना, कास माइनस 2x मतलब कास 2x हो जाता, यहाँ कास है कास 2x, कास 2x प्लस 1, चलिए बराबर 2 साइन 4x हुआ। कास 2x का फार्मूला 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, अभी प्लस 1 है ही, कट गया तो 2 दूनी 4, 4 साइन 4x कास स्क्वायर x, ठीक है, या 4 कास स्क्वायर x साइन 4x बराबर ही हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया, नोट कर ले प्लीज। फिर आपका 15वां सवाल है, cot 4x इंटू इन ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, तो दोनों साइड को सॉल्व करके बराबर ले आना है हमको, क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। चलो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर cot 4x, ठीक है, यहां साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x अपॉन 2, cos सी माइनस डी 5x माइनस 3x अपॉन 2 हुआ बराबर cot 4x, या इसको लिख सकते हैं हम बराबर cos 2x सॉरी cos 4x अपॉन sin 4x cot 4x को अब इंटू 2 5 3 8 बटे 2 4x sin 4x इंटू cos पास में से तीन गया दो दो बटे दो एक्स कॉस एक्स, तो देखो बेटा ये तो इससे कट गया, क्या आया आपका 2 कॉस एक्स कॉस 4x, ये आ गया आपका क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका ये। चलो भाई अब राइट हैंड साइड प्रूफ करता हूं, cot x यहां sin c माइनस sin d का फार्मूला sin c माइनस sin d का, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 5x प्लस 3x अपॉन 2 फिर sin c माइनस d 5x माइनस 3x अपॉन 2, चलो इसको cos x बटे साइन एक्स कर लेता हूं इंटू टू, ये क्या होगा 5 3 8 2 कास 4x इंटू क्या मिला 5 से 3 गया 2 2 बटे 2 1 साइन एक्स मिला, तो साइन एक्स से कट गया बराबर 2 कास एक्स कास 4x, देख लो राइट हैंड साइड वाला ही पोर्शन, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं, दोनों का मान 2 cos x cos 4x है, 2 cos x cos 4x है, hence अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नोट इट प्लीज। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x बराबर minus sin 2x upon sin cos 10x, ये प्रूव करना है। यहाँ दो फार्मूले को फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, cos c minus cos d और sin c minus sin d का फार्मूला लिख दिया हूँ, और इसी फार्मूले पर चलेगा भी क्या
अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ पहले, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी यानी नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन टू, फिर साइन सी माइनस डी नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, टू कॉस सेवनटीन एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू साइन सी माइनस डी सेवनटीन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू। अब बराबर क्या हो गया बाबू, नौ पाँच चौदह, चौदह भाग्य दो सात माइनस टू साइन सेवन एक्स इंटू नौ में से पाँच गया चार, चार में दो का भाग दिया दो साइन टू एक्स ठीक है अपॉन चलो टू, सत्रह तीन बीस, बीस बटे दो दस कॉस टेन एक्स साइन सत्रह में से तीन गया चौदह, चौदह बटे दो सात साइन सेवन एक्स, तो साइन सेवन एक्स से कट गया, टू से टू कट गया, क्या बचा माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स, प्रूफ हुआ ठीक है, नोट करें प्लीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये आपको ये चार क्वेश्चन खुद से करने हैं, आज का ये वीडियो यहीं से समाप्त करूंगा, अगर इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन संख्या जरूर डाल दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में पहले वही बता करके 17, 18, 19, 20 में से जो ना आया हो तब फिर 21वें से बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।